दिया गल्लां गाली गल नाल दिया टोआ ठोडी दे विच ना पतली ना पारी बनी बनाई की इमली मिलता कोई शक नहीं एदे च बनी बनाई अखां च नजर विकदी छापा मार लो पुलसियों जाके तुसी कदों वापसी कर रहे हो कदों ट्रैक दे रहे हो कोई एल्बम मैं बस वापसी कुजीत भाई दी मेहर होए अपन तो तैयार ही हैं जां फिर अतुल शर्मा जी डेड दा एक गीत आ उनका कोई सारी दुनिया च नहीं हिला सकता माइकल जैक्सन भी हिला सकता गा भी नहीं सकता ਸਸ਼ਕਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਗਸ ਮੀਡੀਆ ਮੈਂ ਸੰਦੇ ਰਣਵੀਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਵਰਗੀ ਮਰਹੂਮ ਕਲਾਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਯੁੱਧਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ सो असी इस समय मौजूद हाँ स्वर्गीय कलाकार कुलदीप मानक जी के घर तो इस समय असी मुलाकात करांगे युद्धवीर मानक जी के नाल उन्हां तो उन्हां दा हाल चाल जाणांगे उन्हां दे गीत सुणांगे तो होर यादां करांगे तुहाडे नाल सांझियां तो वीर जी सब तो पहला तुहाडा किंग्स मीडिया दा स्वागत है सत श्री अकाल जी सारे बहुत बहुत वधाइयां कि सारे पंजाबी म्यूजिक नूं सुन रहे माण रहे ने इन्हां गल्लां नूं क्योंकि पंजाबीयत साड़ी कौम का सरमाया है पंजाबी जी कहूँगा भी थलड़ा साड़ा असलियत है पंजाबी मेहरबानी जी शुक्रिया सेहत की मैं हूँ सेहत थोड़े सामने जी देख लो तो लॉकडाउन पिछले साल भी लगे इस बार भी लॉकडाउन लग रहा तो किस तरह समा बतीत कर रहे हो घर समाप्ति तो उ जो बापू जी ने गीत लगया उस ढंग जी डैडी जी के गीत गाते रहने हूँ भी अक्सर करे हाँ जी हाँ जी करे तो नहीं वो स्टेज पर जाके गाँव जमे कोई गीत हो जाए डैडी जी का जो तुहाडा कोई डैड का एक गीत आता कोई सारी दुनिया च नहीं हिला सकता माइकल जैक्सन भी हिला सकता गा भी नहीं सकता वो मेरे भी आ रहा थोड़ा थोड़ा वो ही पेश ही कर देना मैं वो तेरे टिले तो यो सूत दीन दिया हीर दी औले वेख गोरखा उड़दी है फुलकारी टंगण नंगण 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 बस इन्हें की बहुत है जी बहुत गीत होए ने मानक साहब दे जो हिट होए हजारों ने गाना लाए मां हुंदी है मां दुनिया हां जी हां जी अमर हो गए जेडे गीत बिल्कुल जी असल दे विच जदों अपना देश नु आजाद कीता जी अपने कौमी भरा ने अपना मुल्क समझ के आज़ाद कराया अंग्रेजों तो उन्होंने विच बजुर्गों ने डैडी उन्होंने तो बाद पैदा ही बाद च होया तो उन्होंने बजुर्गों ने दाखला लिया होना उ खून दियाँ कतर ही समझ लो आई होनी साढ़े बजुर्गों के तो उ जोश उन्होंने गाया तो वह रिजल्ट मिले हूँ तक तो उ खून गां साढ़े जाया फिर उस योजना फिर असी गाई स्टेज एक पढ़ाई की गल करा तो तुम कितों कितने से पढ़ाई टैगोर स्कूल तो अगर नगर इतने नेड़े है हाँ जी तो उस तो बाद आस्ट्रेलिया भी चले गए हाँ जी आस्ट्रेलिया भी गया आस्ट्रेलिया की बहुत याद है जी हाँ जी जो यार दोस्त से उस समय के मिलते रहते हैं हाँ जी इत रहे मोहाली वाल उ एक गल दसवा प्रभा यार दोस्त तो होर भी बहुत मेरे सही याद तो सुना जी अगली खड़ा जाते सही मैनेज मेरे डैड ने भी बहुत बहुत गाया यार दोस्तों बारे ही पुराने यार दोस्त कह जे होंगे
तो मैं असलियत से देख ले तो मेरे भी कुछ ऐसे यार दोस्ती ने थोड़ा ज्यादा नाम भी मेरे याद आया इस टाइम भी जिन्हें चो अजकल तो पढ़ ले गए हुए बड़े हुए तो कई दुकानदारी करते कोई कुछ करता कोई कुछ करता उन्होंने चो जिमें प्रिंस हो गया वो वकील बन गया रिंपी हो गया वो अपने फादर साहब के काम के नाल काम करन लग गया एक मेरा होर याद उसी आगा नगर का बाऊ वो भी अपने फादर के नाल काम करता एक होर वैली सी साडे च नवतेज माली पिंड का सी एक बद्दवाल का सी गरे वाला वो सी लम्मा चौड़ा बाबा वो वैली जी हमें सारे स्कूल रेंगे नेड़े पढ़ते थे अगर नगरी साढ़े तो डरते होंगे सारे वो सारे यार दोस्त ही सा ग्रुप से आया जी तो बचपन डैडी जी का किस तरह प्यार से पूरे प्यार से खोड़ते तो क्यों नहीं थी पलाट ईजली बनाया ना खेडया करो उधर ही करो ना शाम किया भी सारे दिन बजिए खिड़े रहे कोई नहीं आले दुआले पुछ भी लेना उन्होंने फिर अच्छे ने कोई कप की नहीं जी अज तो कुछ नहीं किया जी चल शाबाश भी मिलो खाधा पीता उन्होंने कुछ तो फिर कलाकारी की शुरुआत किस तरह हुई किता बस कलाकारी की शुरुआत इस तरह फिर टीटू भाई होना तो शुरुआत हुई क्योंकि उधर पिंड ही जाते रहते गुजर फिर मामी होना यार तुम भी गाया गुया कर दो जी मैं क्या जी मैं कितों डैडी होनी गाँव तो मैं कितों गाँव लौड़ ही नहीं मैं कोई होर बिजनेस शुरू करदा कोई होर काम करदा नहीं क्या बापू ने शुरू किया लोगों ने बड़ा प्यार दिया तो हाँ गाने ने हाँ जी पहली एल्बम आई थी कतल को क्या कतल करा दे कतला कुंड फलकारी मैं बड़ा हिट हुआ सी मैं देने नहीं दे सकता सीधी गल बनी बनाई चीज मिली मैं तो कोई शक नहीं ये बनी बनाई डैड ने पैदा की थी ये भी सच है कोई भी दुनिया च पंजाबी बैठा ना मने इस गल पर मैं यही गल कहूँगा सारी दुनिया च बसते पंजाबियों भी मेरे डैडी सी जिन्होंने पंजाबी गायकी पैदा किया ये छोटी गल नहीं है बहुत वड्डी गल है पंजाबी कलाकारी पैदा करना कोई माड़ी मोटी गल नहीं भाई बहुत औखी गल है वो रब तो आए खो के लिए सी भी यही काम करना मैं हाँ भी गां थोड़ी मर्जी है भाई हूँ भी बजद ट्रैक्टर के पिंड गीत हो ही चल रहे ऐसे चलते रहने अं चलते रहने गां मेरे अगर जवाक उन्होंने अं सुनावे हम थोड़ा जहा वैसे चल पाया बेचते हो मैनू छोटा जहा होना मैं उदों भेजा सी माता ने अभी बस से गए थी मेरा भाई गया दूरदर्शन जलंधर से उत्थे जाके कराया एक तो हाँ उन्होंने भी स्पैशल बच्चों का प्रोग्राम चल रहा होंगे उत्थे जाके गाया सी फिर मैं घूमनी भमीरिए तो घूम 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 वो बहुत प्यार मिले सी उस गीत भी जाने उन्होंने टाइम सुपर हिट हो गया जिगरे पंजाबियों के जग जा वो बाद दी गल वो व्डे हो गल समझ लो उस तो बाद फिर तुम्हें पता ही गिप्पी गरेवाल नाल एल्बम की थी उस सबब किवें बनया सी वो तो व्डे होने का बनया सी फिर गिप्पी तो वो तो बाईचांस मैं चंडीगढ़ गया सी वो मैनू मिल गया कहना भाई मैनू भी शौक आया इस काम का मैं ठीक है चंडीगढ़ घूमद पहला थोड़ा जहा गेड़ी गुड़े चल सतारा सैक्टर वह शुरू से मशहूर आ चंडीगढ़ का मैं पहला गेड़ी गुड़ी ली उन्होंने समय तो बापू भी डर लगता बहुत ज्यादा पर फिर भी हिम्मत ही करके मैं तो इतने घुमा को ही नहीं कि पछाण लोग कहता भी शॉपिंग करते हैं तो आए थे तो अभी गेड़ा गुड़ा दिता उब तक घूम फिर के मुड़ के आ गए फिर करे अतुल शर्मा ने दिता से शायद उस एल्बम का म्यूजिक हाँ जी हाँ जी तो वैसे कुलजीत भाई ने शुरू किया जलंधर है कुलजीत भाई ने सिर लाती से उन्होंने कहानी डैड ने तो शुरू नहीं सिखाया मैं वो तो माता नहीं देती छुट्टी कहते जा पुत आराम कर
मैं ठीक है जी। कुलजीत भाई जी मैनू कहिंदे वी आ जा आ सरगम ते आ कलावणी जी आपे तू कर रहे हैं मैनू पता कहिंदे मैं ही मैं आपे किवें कर लवां कहिंदे मैनू पता वी तू कर लेगा जे नहीं करनी मैं करा तेनू तो फिर छेत्र भी आने पैने मैं ही कोई नहीं मैं कर आना जी कहने ठीक है जी मैं कर लेना कहने चल फिर उड़ जा करे यार मैं ठीक है जी मैं मामा तो मंगी छुट्टी फिर फिर मैं शाम प्लाट च बह जा लागा सर घर वो तैयार की मैं फिर घूमनी भमीरी नहीं घूम 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 भमीरी बहुत चंगी घुमाई है हाँ जी भमीरी घुमाई वो गाना चाली बहुत हो फिर डैडी ने सुन के मैनू छोटे होंगे ने शाबाश दी बहुत कहते शाबाश तो वधिया गाया तू मैं ठीक है जी। जो स्टेजा की शुरुआत की स्टेजा की गाँव लगे सी तो कि शुरुआत सी उदो की दसा जी बस रब की मेहरबानी सी बहुत ज्यादा उदो क्योंकि कुलदीप मानक साहब की बहुत ज्यादा चढ़ाई सी उदो बहुत सुपर डुपर हिट जिन्हों कहते जी वो सी चढ़ाई असल कह दिए जी पंजाबियों जी गायकी की शुरुआत होंगी है ना रब तो खो के लियानी रब तो खोनी आ जी गायकी वो डैड तो शुरू हुई थी उन्होंने तो पहला भी सी कलाकार खोनी होर चीज होंगी वो डैडी तो शुरू हुई थी मैं तो यही गल कहना बस बड़े शागिर्द रहे ने मानक साहब के जैजी वैस तक भी अच्छे दे हाँ जी हाँ जी सुपर स्टार है बिल्कुल जी जैजी भाजी बहुत सत्कार भी करते उन्होंने आते जाते हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जो भी इंडिया आते तो उन्होंने इधर घरे गेड़ा जरूर मारना मेरे लिए कुछ लिया लिया गिफ्ट कुछ भी हो जाए जानी जलंधर आ गए उन्होंने बाद पहला टूर ही उन्होंने इधर आता घर होर नहीं कि भी जाते अपने पिंड बाद जाते होर बाकी कलाकार भी मिलते रहते हाँ जी सारे मिलते तो मैं चाहूँगा जिगर पंजाबियों के गीत दो बोल हो जाए वो मेरी भी जिगरी पसंद आ मेरे वो गीत हाँ जी वो कुलजीत भाई ने जलंधर वाले ने तैयार कराया सारा ही वो कहने कला गाई ना कहते बहुत मकबूल होया सी गीत पंजाबियों ने देश में बैठने पसंद किया हाँ जी लंडन च भी गा पाता से उन्हें गाने ने मैं ठीक है उ गाया ओ जिगरे पंजाबियां दे जग जानदा जिगरे पंजाबियां दे जग जानदा जिगरे पंजाबियां दे जग जानदा बाजी ते डेडी जी दी याद आंदी रहंदी हुण बहुत ज्यादा बहुत मकबूल नीयत हासिल की किसी ने की नहीं किसी ने नहीं की गल छोटी जी नहीं रब तो डर के कहने वाली गल ही सो यही गल रब की मेरी कह सकते हो तो फिर हूँ तुम कदों वापसी कर रहे हो कदों ट्रैक लिया रहे हो कोई एल्बम मैं ही बस वापसी कुलजीत भाई की मेहर हो अपन तो तैयार ही हाँ जब फिर अतुल शर्मा जी चंडीगढ़ तो माड़ा जहा पढ़िया पंचकूला उन्होंने उत्थे बनाया है स्टूडियो जो हम कर रहे प्रोजेक्ट अपना बस वो करने हम पहला डेढ़ गड्डी गए झंडे मगर ही मैं लगे हम तुम भी बराबर ही कटे झंडे तो भी गीत उम्मीद हिट हुए वो तो रब की कृपा ना जिमें कह ली रब ही करावे तो सलामा होंगे हाँ जी ताई सलाम होंगे जी नहीं तो कोई नहीं पुछता इतने तुरे फिर बहुत थोनू पता ही है थोनू पता है गल इंडस्ट्री देख दी इंडस्ट्री च बंदे बहुत आ गए जी बहुत बहुत हूँ ज़्यादा आ गए हूँ बहुत ही ज़्यादा आ गए डैड हूँ के टाइम तो नहीं सी ये सच्ची गल आ कदे भी कोई भी थोनू बंदा ये गल नहीं कहूगा बहुत लोग गथावं गाइया ने उन्होंने फिर देखो कह सकते हैं पुराने जोड़े किस्से होंगे सारे लोगों लिया के सामने कि
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਗਾਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਜੇ ਡੈਡ ਨੇ ਗਾਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਤੋ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਘੁੰਮ ਨਹੀਂ ਭਮੀਰੀਏ ਤੂੰ ਘੁੰਮ 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 ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਪਸੰਦ ਉਹੀ ਗੀਤ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਟਿੱਲੇ ਤੋਂ ਮਸੂਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਗਾਉਣਾ ਉਹੀ ਪੈਂਦਾ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਗਾਉਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੱਚੇ 'ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੁੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਖੜਦੇ ਆ ਨੱਚਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆਹ ਆਉਂਦਾ ਗਾਉਣਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹੇਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਧ ਮੰਨ ਲਓ ਫੈਨ ਹੋਣਗੇ ਟਰਾਫੀਆਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਐਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕੁਛ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਗੀਤ ਸੁਣੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਏ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਾਣਦਿਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਸਨ ਯੁੱਧਵੀਰ ਮਾਣਕ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਅਤੇ ਫਰਜੰਦ ਯੁੱਧਵੀਰ ਮਾਣਕ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਸੀ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਹ ਕਿੱਸੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਡਾਇਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਕਿੰਗਸ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬੀ